तो स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और लिंगुआ बेस के डे वन बेसिक क्लासेस में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश, जो कि इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। हाँ जी, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। तो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ओवरव्यू पर बात किया जाएगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन जो है ना, आपकी क्लास 12 के 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है, उससे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, प्रत्येक दिन उससे एक ना एक चैप्टर, नया नया चैप्टर अपलोड होगा ही होगा। और मैं इतना मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग का इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब इंग्लिश के प्रोज हो चाहे पोएट्री है, इससे अगर हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके प्रत्येक लाइन को हिंदी में पोस्टमार्टम करके, मतलब बिल्कुल आसान बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी लेट, चलिए हम लोग आज के इस बेसिक क्लास को समझते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश, क्योंकि हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं ना जी। तो क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना तो बेसिक कुछ कंसेप्ट होना चाहिए ताकि हम दूसरों को डिलीवर कर सकें। सो विदाउट एनी लेट, यहां देखिए, अगर कोई पूछता है कि ठीक है, आप क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश स्टडी करते हो, तो बताइए हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू दैट हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, देन यू विल गिव आंसर जॉफ्री चौसर, राइट। एंड अगर उसकी बॉर्न की बात करें तो आप बताएंगे कि 1300 ईस्वी में हुआ था लंदन में, ठीक है ना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन पड़ता है, राइट। ऑलराइट, अब चलिए बात करते हैं। देखिए, देयर आर टू कोर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है ना दो कोर पर डिपेंड करता है, यानी इसके दो भाग हैं, पहला लैंग्वेज और दूसरा लिटरेचर। देखिए, लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा, बहुत ही आराम से समझा जाए, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को आप लोग स्लो करके देख लेंगे, एनीवे भाषा। और लिटरेचर को हिंदी में कहते हैं साहित्य। ऑलराइट, अब यहां पर क्या है ना कि भाषा को क्या करते हैं लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश डिपेंड होता है दो फैकल्टी पर, पहला लैंग्वेज और दूसरा लिटरेचर। तो अब लैंग्वेज क्या है और लिटरेचर क्या है, तो देखिए, लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं और साहित्य को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग चार तरीकों से सीख लेते हैं। पहला, राइटिंग करके, बोले तो लिख करके, लिसनिंग सुन करके, स्पीकिंग बोल करके, रीडिंग पढ़ करके। लैंग्वेज को क्या किया जाता है, सीखा जाता है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। लैंग्वेज को सीखा जाता है, लैंग्वेज को सीखने के लिए चार तरीकों से, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, यानी कि लिख करके, सुन करके, बोल करके, पढ़ करके। इसका 100 ट्रिक है याद करने के लिए, भाषा सीखने के लिए LSRW, ठीक है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करके हम लोग सीख लेते हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर, जो क्लास 12 में जो 100 मार्क्स है वो लिटरेचर है। अब देखिए, वो जो लिटरेचर है ना, उसके दो कोर हैं, देयर आर टू कोर ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। पहला है प्रोज और दूसरा है पोएट्री। देखिए, प्रोज को हिंदी में कहते हैं गद, कहानी, ठीक है ना, गद कहो या कहानी कहो, ठीक है ना। उर्दू में कहते हैं अफसाना। पोएट्री को हिंदी में कहते हैं पद, कविता, या उर्दू में उसको शायरी कहते हैं। अब देखिए, प्रोज में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कहानी पढ़ना पड़ता है, किसी की लिखी हुई कहानी को, ठीक है ना, उपन्यास पढ़ना पड़ता है, यानी कि किसी राइटर के द्वारा लिखी गई वो कहानी जो पढ़ने के बाद लगे कि ये मेरी ही कहानी है, ऐसा उसको हम लोग बोलते हैं उपन्यास, माने इंग्लिश में नोवेल कहते हैं, कुछ नई तरीका का कहानी, ठीक है ना। नाटक, ठीक है ना, निबंध, आत्मकथा, ऐसी कथा जो किसी राइटर के द्वारा लिखी गई हो, ठीक है ना, तो किसी राइटर के द्वारा लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं, माने स्वयं जो खुद लिखा है अपने ही बारे में, ठीक है ना। पत्र वगैरह होते हैं, तो ये सारे जितने भी है ना, ये सारे मोड जो है ना, ये प्रोज के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं पोएट्री के अंदर कितने मोड आते हैं, तो यहां देखिए, पोएट्री को हिंदी में पद, कविता, उर्दू में शायरी कहते हैं। इसके अंदर कविता पढ़ना पड़ता है, गीत गाना इत्यादि सब क्या है, पोएट्री के अंतर्गत आते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना। अब फिर से हम लोग एक बार रिव्यू कर लें एकदम बिल्कुल शांति से। देखिए, इंग्लिश के जनक जॉफ्री चौसर, उनकी जन्म 1300 ईस्वी लंदन में हुई थी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में, अपने जीवन काल 100 साल के लिए जिए, ठीक है ना। अब ये इंग्लिश जो है ना, दो चीजों पर डिपेंड करता है, इसके इंग्लिश के दो भाग हैं, एक है लैंग्वेज और दूसरा है लिटरेचर, ठीक है ना। लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं, लिटरेचर को हिंदी में साहित्य कहते हैं। भाषा जो है ना, चार तरीकों से सीखी जाती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करके, ठीक है ना। अब लिटरेचर की बात करते हैं, तो देयर आर टू फैकल्टी ऑफ लिटरेचर, यानी देयर आर टू कोर, टू मोड ऐसे कह सकते हैं। तो लिटरेचर के अंदर दो फैकल्टी आते हैं, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कहानी पढ़ना पड़ता है, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र इत्यादि पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। पोएट्री के अंदर कविता, गीत गाना इत्यादि पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर बात किए हैं। अब इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा,
क्लास 12 के प्रोज हो चाहे पोएट्री, उससे प्रत्येक चैप्टर का हम हिंदी में पोस्टमार्टम करके बहुत ही आसान भाषा में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को इसी तरीका से आप सीक्वेंस के हिसाब से देखने के लिए इंतजार करते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है, और आपको बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद अपने तक ना रख करके दूसरों के पास जरूर शेयर करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।